श्रोतागण से निवेदन करता हूं कि मैं इस टॉयलेट नगरी से के माध्यम से मैं आपको गीत भेज रहा हूं। आशा नहीं, विश्वास है कि आपको लोगों को पसंद आएगा। विरह में में कभी लोग तो बड़ा बड़ा तर्ज लिखते हैं, बड़ा बड़ा धुन लिखते हैं। थोड़ा दो लाइन मैं अपने श्री माधव प्रसाद गुरु असरावल कला उनके लिखित हुई छंद लिखता हूँ, छंद बोलता हूँ। क्या है, कहा चीर के यशोदा का कन्हैया का मुखारबिंद, आंवले को पेड़ को कन्हैया ने चीरा है, चीर दिया पूतना चीरे और चोली को, अरे पकड़ के पका सुर के टंगरी को, गिर गई चक्र से कन्हैया जब उंगली, पट्टी के हेद द्रौपदी ने चीर, अरे चीरे उस थामा की खोपड़ी निकाल मरी। अब बड़ी बड़ी हंसी तो माधव ने, कहा जानी जानकी के पास अगर होती एक माचिस तो आज का अशोक में सशोक त्रास पाती क्यों, फायर ब्रिगेड यदि रावण के पास होता कपी जलाए सो लंका जल जाती क्यों, टेलीफोन होता अगर द्वारका से मथुरा के, कृष्ण के वियोग में राधा बिल खाती क्यों, एक टूटी चार पाई मिल जाती कहीं विष्णु जी को, तो शेष के छाती पर बिस्तर लगाते क्यों। आप लोग बहुत कैसेट रिकॉर्डिंग सुना है, मगर बांके लाल चैंपियन कौशाम्बी के चैंपियन ही रहेगा भैया, आपको गीत से माध्यम में मिलेगा। आए, अरे सदा सतवंती सहे मुसीबत, उल्टा नारी करे नसीहत, बड़ी फजीहत होती हो तो सत्य के जीत। श्रोतागण से अनुरोध है कि आप लोगों को इस गीत में सत्य और असत्य मिलेगा, यानी झूठ और सही। जीत किसकी होती है, झूठ की होती कि सही की होती है, किस गीत में आपको मिलेगा। भैया हो हमारे श्री माधव प्रसाद जी, हमारे घोसी के प्रधान जी सुरेश प्रधान जी भूमिका लिख दिया, क्या लिखा, अरे भरी धूल धनी का छोड़ा जो संबल, चाहता है चीज में जो विश्राम है, मधुर जल पहुंच करके वारिद में, जो पान करने में आता नहीं काम है, पतिता के संगत में परलोग बिगड़े, अरे दुष्टता ही परिणाम है,
अरे विजय होती है अंत में सत की, राम जी के घराने में माधव धनी। बाबूजी, आपको इस गीत के हमें कवि जी गजल का प्रयोग किया, गजल आपके सामने पेश बा। क्या है गजल में? अरे यहाँ जे क्यों गम के अंधेरे में कमी होती नहीं, आज क्यों गम के अंधेरे में कमी होती नहीं, और दिल जलाने से भवन में, अरे दिल जलाने से भवन में रोशनी हो। किसी का दिल जला दो उसमें रोशनी नहीं होती, दीप जला दो उसमें प्रकाश होगा, रोशनी होगी। कहा है मुगलों की थी हुकूमत राजा का शाहजहां, जसवंत सिंह मंत्री बन के रह करता था वहां, पठान सहिंसा का साला, हिंदू धर्म विरोधी दिल से था जलने वाला। एक दिन लगा दरबार बैठे नवाब राजा, हंस करके भूप बोले मेरा तो ये अंदाजा, साहब दरबार लगी थी, उसमें एक जसवंत सिंह ठाकुर नाम करके व्यक्ति मंत्री के पद पे काम करता था, मगर भैया हो उनका साला एक शेरेखा पठान था, हिंदू धर्म से बहुत जलता था, तो भैया हो आगे क्या कर दिया? अरे बढ़ रही उल्टा उपाय, कमी होती नहीं पढ़ रही। हाँ, कहा बढ़ रही कुलता उपावन, कमी होती नहीं। अब गाने का मजा आएगा। बादशाह कहते हैं, बादशाह क्या कह रहे हैं? अरे इस जमाने में कहीं पर पतिव्रता होती नहीं, पतिव्रता औरत नहीं है। का अच्छा, पतिव्रता औरत नहीं है? का नहीं,
मेरा ये अंदाजा है, मेरा ये आंकड़ा है। तो भैया हो, हमारे गुरु माधव प्रसाद कवि गीत को पलट दिया, जैसे आप लोग ट्रांजिस्टर लाउड स्पीकर में सुनते हैं। क्या सुना? और एक है जमाने के रात दुख जाई हो, अरे गवाने के रात दुख जाई हो, पिया ही नहीं ना ढोला। इससे मतलब नहीं है, ये तो ट्रांजिशन लाउड स्पीकर का गाना है। इसी में हमारे कवि ने गीत को पलट दिया। क्या पलट दिया? अरे राजा कहाँ है मुसकाई हो, सुना धाई पे दिया ना। राजा साहब कह रहे हैं बादशाह, कहा बोले सभा में है सरदार भारी, और कौने मरदवा से पति मरता नाई। किसकी औरत पति मरता है हमसे बताओ? कलयुग में पति औरता औरत मिलना मुश्किल है। नहीं जो बतावे कहे भारी इनाम लाई जाई हो सती नारी का। कहा जिसकी औरत पतिव्रता हो मगर झूठ ना हो, झूठी जो निकले गलत बात खासी, चौराहे ऊपर देवाई दे फांसी। अरे बैठे सब सिर नाई हो, के दिया नवा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तू बता दे कि मेरी औरत पतिव्रता है, सब सर नीचा कर लिया। हाँ हाँ हाँ, का बोलो किसकी औरत पतिव्रता है? तो उस समय जसवंत सिंह केवल हिंदू एक था। जसवंत सिंह तब बोल उठे, राजन ये बहुत अखरता है और नारी का निर्घोर निरादर, सुन चुप रहना भी का करता है। अब भी सभा में आज मैं बोलूं कि मेरी नारी पति ए पतिवर्धा नहीं पतिवर्ता। जसवंत सिंह बोले कि मेरी नारी पतिवर्ता है, तो बगली मां बैठे रहे शेरे खां पठान के साथ, जसवंत सिंह वो पठान शहनशाह का साला। तो गीत का लाइन बदल गई, उसको तकलीफ हुई कि ये एक हिंदू होकर दरबार में ललकार दिया। तो वो कहता है ओ राजा साहब रोकिए। काय बोला? तो तर्ज वही आएगा, आप लोग ट्रांजिशन लाउड स्पीकर में सुना है। क्या सुना है? अरे यमावा महुआवा कई झूमे दरिया, तनिता का ना, अरे तनिता का ना बला मामा हमारिया।
शाबाश इसे मतलब नहीं है। एका हमार गुरु कवि जी महोदय इसको पलट दिया क्या पलटा। अरे बोले ठाकुर जब ले ललकार बतिया और सुन के शेर खा पठाना माकल धर पैसा दिया। कहने लगा सहनशाह का साला काय सभावा में खड़ा होई के करेला गुहारिया और नहीं पतिवरता बाटे इनके में हारिया। अरे जसवंत सिंह बता रहे हैं कि हमार मेहरारू पतिवरता है और तो हम खूब अच्छे नानहन से जानी थी। काय जानते हा काय और का काय बताओ। अरे कहे नन्हवा से जानी हम तो वो कर गतिया सुन के से रेखा पठाना माता फाटे छातिया। अगर सेरेखा पठान से बादशाह बोले कि अगर तुम इनकी औरत जसवंत सिंह की औरत के कायदा जानते हो नान्हे से जानते हो तो लियाओ इसके चिन्हारी लिया के देओ। क्या कहते हैं बादशाह कहे सभावा मा तुम तो बताया सब औ हाँ का मुंह छोड़ के बतावा पूछे चिन्हारिया। हर औरत के हर मर्द हाथ पैर मुंह देख लेता है। बादशाह कहा इस एक छोड़ के ओके मेहरारू कायदा जानते हो तो ओके मेहरारू के अंदर के चिन्हानी लियाओ तब तुम्हारी बात सही मानी जाएगी। तो पठान कह रहा है अरे पोल खोल दे भाई ना लगाऊ भाई देरिया और सुन के शेर खा पठाना वाते फाटे छातिया। देर लगो भाई राजा साहब तुरंत बताओ। अब इन तुरंत भेजता हूँ कहे मांगा खर्चा पानी कुछ ली ना मोहलतिया अब ना जसवंत घर जाए ना भेटाई औरतिया। जसवंत सिंह तो घर जा रही रहा यहाँ दरबार में है अब पठान राजा साहब से कुछ खर्चा पानी ले करके अब चल दिया जसवंत सिंह के मेहरारू के अंदर चिन्हानी लिया हुआ है। अंदर के चिन्हानी कैसे लिया ही? तो जा रहा है एक कुटनी एक दाई को फिट किया अब ओका कुछ खर्चा पानी दिए ए बुढ़िया जाए के जसवंत सिंह के मेहरारू के कौनो तरीके से अंदर के चिन्हानी लिया के दे हम हुआ बताए दे तो हमारी जीत हो जाएगी। कुटनी पैसा पाएस चल दिया ककहरा से लगा हुआ है गीत क्या है पहला अक्षर का कहे कर महान गुमान पठान चला कुटनी कनी के पिया तिनके। खा खल खोल खियाल कहाय अपना अनमोल दिया मोहर गिनके। गुजारी चिथारी लुगारी पहिरी
निकारी पकारी रहिया तिनके। हाँ अरे घुसुरी घुसुरी बपुरी न डरी डोकारी घर पहुँच गई मौसी बनके। कुटनी जसवंत सिंह के घर में पहुंच गई। अब आए दुल्हनिया दुल्हनिया भीतरे तीन पौड में घुसी रहा है। धोती लुगरा सकेले चली आई कहा कोई अरे भूल गई मैं तोर मौसी यही हूँ। कहा बाबा मौसिया वाह वाह तो भैया हम मौसी पहुंच गई बन की। अब गीत की लाइन में क्या है आए अरे गंगा के महिमा दुनिया सब जाने कैले क्या गंगा या स्नान दुल्हन कब ताई अरे दुनिया का राखी या स्नान दुल्हन। अरे भादाई के मेला लाग है गंगा स्नान सब करे जात है चल स्नान कर आओ। पतोहियो तैयार हुई गई का हाथ में धोती और लोटा उठाई अरे गंगा के रहिया लिया निया रहिया रहिया पहुंच गई हुआ स्नान ध्यान किया। और जब मेहरारू कपड़ा बदले लाग मर्दवन के कपड़ा बदलब इधर से होत है टांकई से इधर से कपड़ा बहिलन और औरतन के कपड़ा बदलब मूड़ कैसे होत है बेटी कोट मूड़ में डायन और खींच लिया अगुआ मूंद लिहन चाहे पिछुआ ऐसे इधर स्नान धान गई के अरे किया स्नान दान सुना हो बहुरिया कोई भदई का भारी स्नान ए दुल्हन गंगा नहाया। अरे जब कपड़ा बदई लागी बदई लागी तो पुरवैया का झोंका चला साड़ी उड़ गए ए भैया। जब स्नान करके कपड़ा बदल चुके तो बदलते समय बुढ़िया कुटनी जो है तो देख ली है कि रानी के जंघे में बाएं जंघ में तिल का निशान है तो तुरंत का काम बन गया। तो रानी से कहती है ए दुल्हन चला घरे कहे चली कहे हाँ कहे किया ऐसा नाम डांस सुना हो बहुरिया
दया। अरे दैद्या पति जी के साफा कटरिया हो साफा कटरिया। अरे लइके भवनवा से साफा कटरिया। कहे मनमा मगन भा पठान ये दुल्ही गंगा नहाया। देखो सूरदास का अब गोलकवक कहा लोग आए नहीं। इधर जाके बुढ़िया बता दिया शेरेखा पठान से कि रानी के बाएं जांघ में तिल का निशान है, जाके सभा में बता देना। अरे बाप रे, ई जाके और साफा कटारी भी लेके आए उनको दई दिन कहा तुम्हारे उनके जसवंत सिंह के साफा कटारी आए पहले पहचान के लिए रात भर हम ओकरे खिया रह के आवा है। शेरेखा पठान पहुंचा और गाना करीब आ रहा है। भैया हो क्या कहते हैं, अरे पहुँच सभा में बोला मधुर जबनिया पनिया पातरबा। आयो मैं रानी कैसी हरिया पनिया पातरबा। के सामने जाके कहा शेरेखा पठान चिन्हारी लिया अंदर के कहा हाँ सरकार कहे बताओ। कहे रानी जी के पायों में जंघा काला तिल निशान हो और साफा या कटारी कैले के पही। जसवंत सिंह के हाँ मैं रात भर रह के आए हूँ, इनके मेहरारू कहा मैं पतिवर्ता ही कहा हमारे मेहरारू पतिवर्ता है, मैं इनके यहाँ रात भर रख के आया हूँ और इनके देख लिया एक साफा या कटारी आए और इनके मेहरारू के बाएं जांघ में तिल का निशान है सरकार। अरे जसवंत सिंह के झुमकी भय अरे जबनिया पनिया पातरबा और जे भाई फांसी इनका देख है सारी दुनिया पनिया पातरबा। सरकार बादशाह बोले जसवंत सिंह को कल 12 बजे चौराहे पर फांसी हो जाएगी, चरवा चौराहे पर फांसी हो जाएगी, सिरसी कहीं नहीं चरवा पर फांसी हो जाएगी। तो जसवंत सिंह की एक नौकरानी काम करती थी, जब ऐलान हुआ तो वो जा करके जसवंत सिंह के मेहरारू के पास पहुंची। अब क्या कहती है, बुढ़िया जाके देखा रानी को कहां लगी फटकार। अरे पकड़ गई सैय पठान से अरे कहे नार जाई लंबा घूंघट सरकाई खुल गया बराज लगैया घूंघट हराम जादीन तोरे बदौलत
तोरे आदमी का कल 12 बजे फांसी हो जाई। कहे बरे कहे तो एक पठान से गड़बड़ हस कटारी दिखाए तोरे बाई जान का तिल निकारे कैसे जानगा का अच्छा का ठीक तो बुढ़िया बुढ़िया अपना भेष बदल कर अब बीड़ा ले करके गावत बजावत राजक दरबार में जाती जहाँ उसके पति बैठा है। का गाना गावत ही अरे मई ठाढ़ी देखू अरे मई ठाढ़ी देखू बलम मारैया सास बेचे हल्दी ननन बेचे जीरा अरे मई बेचे नेमुआ अरे बलम चाटे दुनिया मई ठाढ़ी देखाऊं बलम मारैया मई ठाढ़ी ए भैया बादशाह बिगड़ गए दरबार में अखिया पखिया का गाना नहीं होगा। अरे कोनो धार्मिक गाना गाओ तो हम खुश होई तो भैया हो वो अब जैसे समय जसवंत सिंह अपने मेहरारू को देखें कहे जरूर हराम जादिन पठान से गड़बड़ ही एके पास इज्जत हया होती तो बेसिया बन के यहाँ गाना ना गाती। बेचारा जसवंत सिंह और नीचे मुड़ी कर लिया तो ये धार्मिक गाना गावती का गावती अरे मेरे माधव माधव एक भगवान श्री कृष्ण ही और एक हमार गुरु वही वह बैठे हैं मेरे माधव मुरारी कहाँ सो रहे अदालत में तेरे अंधेरे है मेरे हाँ हाँ राजा साहब खुश हो गए कहाँ तू भैया हो राजा साहेब कहते हैं अरे मांगा मांगा मन चाहा जौन मंगनवा मनवा तोरैबा और छिनमा पूरा कर भाई सब सा मनवा मनवा तोरैबा बोल तुझको क्या चाहिए अभी मैं पूरा करूंगा कहे राजा साहब कहे तोरे नाम से एक जने लियावा कर्जा मांगी हो और वो रकमिया दिलवा जा हम राजा पैया कहे सरकार तोरे नाम से एक आदमी कर्जा लिया हुआ है और आज तक पैसा नहीं दिया हमारे पैसा दिवा दिया हम चले जाइए अपने राजा साहब कौन आए अरे कौन हाई बे मनवा अरे नमवा बता कौन आए नाम बताओ बे मनवा मनवा तोरैबा अब अभी सुना दू फांसी का ए लनवा मनवा तोरैबा
दादा मेरे नाम से कर्जा लिया आया है। तो भैया हो एक लाइन और गीत आखिरी में है, बनारसी में बता रही है। क्या बता रही है? अरे कहे राजा साहब कर जाला ओही बेईमान रे भैया। अरे रुपया 10,000 लावा ओही बेईमान। कहे तोहरे बगालिया माँ बैठरे पठना भैया। अरे रुपया 10,000 लावा शेरे आपा। पंद्रह दिन का वादा कह के लियो वो रुपया रे भैया। अरे अब तक सूरतिया ना देखा है इस बेईमान। राजा साहब और जिंदगी में भूल भाई ना तोरा यह एहसान। ए भैया तो ये तुम्हारे बगल में जो वो बैठा है शेरेखा पठान ये रुपया लिया आया है। तुम रुपया ले आया? काहे सरकार मैंने रुपया ले आया? काहे जाई सरकार ले आया है? झूठे के एहू हवा मारे जसवंत सिंह के दुल्हनिया। काहे सरकार मैं रुपया नहीं ले आया? तो मेरे गाने का आखिरी प्रमाण है, गाना समाप्ति पर है। काहे हिंदू में गीता रामायण और मुसलमान में कुरान, उधाओ कुरान कसम खा कि मैं इससे रुपया नहीं ले आया। कुरान लेकर शेरे का पठान कसम खाता है गाने के मेरे आखिरी प्रमाण है। क्या है? अरे अल्लाह वा रसूल खा कुरान की कसम अरे पतुरिया के सूरती आना देखा का वो। मैं ये कुरान उठा के कसम खाता हूँ कि मैं ये हराम जादी का कभी शकल नहीं देखा। मैं इससे रुपया ले आया हूँ। तब रानी जसवंत सिंह की कहती है कि सरकार हमारी सूरती कुरान की कसम खाओ। तो गाने का आखिरी लाइन है, लास्ट है, क्या है? अरे अल्लाह व रसूल खा अरे कुरान की कसम आई पतुरिया के सूरतिया न देखा का गुहा। वो औरत बोली कि सरकार काय हमारी सूरतिया न देखे से बेईमानवा। तो कैसे देख पाए मोरे जंगे का निशानवा। अरे झूठ साबित होएगा अरे भवा फांसी के हुक्म ई पतुरिया के सूरत यान देता का बुआ। भैया मैं अपने गुरु घराने का परिचय दे दिया, मेरी समाप्त है। राम ही गुरु धाम गए गुरु बाला दीन गुरु कुल की।
गुरु माधव बैठे सिंहासन करे समीक्षा परीक्षा में वो फेल हो गई। बोला जल्दी से सब श्री राम।